हाईवे क्लासेस में स्वागत है आपका। आज जो हम आपको हैं क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 40 क्वेश्चन दे रखे हमारे हैं, सारे ही क्वेश्चन का जो हम आंसर जो है बहुत ही बारीकी से देंगे और आपको बताएंगे क्वेश्चन की वैल्यू कहाँ से होती है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते होंगे, लगाते भी होंगे, हमें पता है बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मगर किताबें पढ़ना नहीं होता है, क्वेश्चन कहाँ से कौन सा पुटअप होता है और कौन सा क्वेश्चन हर एग्जाम में उठ रहा है ये आपको बताएंगे हम। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, इससे हमें आपका प्यार मिलता रहेगा और आगे हम बढ़ते रहेंगे और अधिक से अधिक हम आपको जो है अच्छे से अच्छा नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देंगे आपको। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो आपका, चाहे लोको पायलट का हो, अभी जो आने वाला है यूपी टेट के बारे में हम जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, पर्यावरण के बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको देंगे हम, तो उसके लिए अलग हम सीरीज चालू करने जा रहे हैं, एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे और अतुल सर जो हमारे होंगे वो पढ़ाएंगे आपको मैथ यूपी टेट के बारे में, तो जानकारी हमने दे दी, बाकी अतुल सर से आप खुद ही पूछ लीजिएगा जो भी होगा। तो क्वेश्चन दे रखा हमारा है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा हमारा, बातें कम काम ज़्यादा किसका प्रमुख नारा है। क्वेश्चन क्या कह, देखिए आप लोग, बातें कम काम ज़्यादा किसका नारा है, यानी कि यह नारा जो है सबसे पहले किसने दिया, बातें कम काम ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा हमारा संजय गांधी। संजय गांधी ने कहा था कि बातें कम काम ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसी में अगर देखना चाहेंगे महात्मा गांधी का, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा गांधी के चार पुत्र होते हैं, क्या नाम था इनका, हीरा लाल हो जाएंगे, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये महात्मा गांधी के चार पुत्र हैं, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी के चार पुत्र हो गए, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गोद लिए हुए पुत्र हैं, इनका नाम था जमुना लाल बजाज। दोस्तों कैसे क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में रामदास के ही पुत्र का नाम था गोपाल कृष्ण गांधी, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। बहुत ही क्वेश्चन आपका लाजवाब है, अच्छा क्वेश्चन है, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई को जो है सात टापुओं का नगर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन है कि मुंबई जो है किस द्वीप पर बसा हुआ है। तो मुंबई हमारा सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है, शक्ति स्थल होगा। इसका आंसर क्या होगा, शक्ति स्थल होगा। राजघाट महात्मा गांधी का है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। तो क्वेश्चन नंबर 4, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, वेदांग कितने हैं, 6 हो जाएंगे, वहां वेदांग टोटल कितने हैं, 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में क्या है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र है, कलकत्ता। क्वेश्चन ये आता है सबसे अधिक जल प्रदूषण से, कि सबसे अधिक जल कहाँ पर प्रदूषित है, तो कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जल पोल्यूशन वहाँ पर जो है आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक जल में पाई जाती है।
क्योंकि गंगा अपने साथ में बहा करके बहुत सदाब साथ लेकर के बंगाल खाड़ी में आती है। जब बंगाल खाड़ी में आती है तो क्या होगा, वहाँ पर जल जो है गया मिट्टी में जाएगा, जब मिट्टी में जाएगा तो क्या होगा, लोग जब मिट्टी से जब पानी निकाल के पियेंगे तो क्या होगा, उनमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में वह कौन सा राज्य जहाँ पर संख्या प्रदूषण की मात्रा जल में अधिक पाई जाती है, तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। मिलर राइट क्वेश्चन नंबर 6, मिलर राइट किस धातु का एस होगा, मिलर राइट निकेल का धातु का एस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, खजुराहो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो की बात करेंगे अगर हम लोग तो मध्य प्रदेश पड़ेगा हमारा, चंदेल शासकों ने बनवाया था इसको। खजुराहो मंदिर कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ेगा, चंदेल शासकों ने बनवाया था। और मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक वन कहाँ हमारा राज्य होगा, कि सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल किस राज्य में होगा हमारा, मध्य प्रदेश होगा। लालिमा अभियान कहाँ चलाया गया, मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का पहला वह राज्य कौन है जिसने खुशी मंत्रालय प्रसन्नता मंत्रालय बनाया, मध्य प्रदेश। तो तीनों क्वेश्चन सुन लियो आप लोग, भारत का पहला राज्य कौन है जिसने खुशी मंत्रालय बनाया, तो कौन होगा, उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगर हम बात करते हैं भारत का लालिमा अभियान किस राज्य में चलाया गया, तो मध्य प्रदेश। भारत का वह राज्य कौन है जहां पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश। तीनों ही क्वेश्चन की वैल्यू है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। मृदा मिट्टी होता है, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा देखते हैं मिट्टी के बारे हम लोग। अगर मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी देखिए आप लोग, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। ट्रिक क्या होगी हमारी, जल काले तो क्या होगा, जलोढ़, फिर होगा लाल, काली और लेटराइट। ये क्या होगा, मिट्टी हो गई हमारी। सबसे अधिक विस्तार होगा जलोढ़ का, नंबर 2 लाल का, नंबर 3 काली का, नंबर 4 लेटराइट का। क्वेश्चन ये आता है, भवन निर्माण में कौन मिट्टी होती है, भवन निर्माण में मिट्टी आपकी होती है, नाम क्या है इसका, लेटराइट मिट्टी होती है। भवन निर्माण में लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। बहुत क्वेश्चन आपका आया है ये वाला, तो स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, थोड़ा काम आपके आएगा। अब बात करते हैं मिट्टी में कितना पानी होता है, कितना जल होता है, कितना वायु होता है। देख लो आप लोग, मिट्टी में पानी कितना होगा, मिट्टी में पानी होगा 25%, मिट्टी में वायु 25%, मिट्टी में ह्यूमस 5-10% हो जाएगा, फिर आता है मिट्टी में खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ 40-45। क्लियर क्वेश्चन हो गया आपका, हो गया मिट्टी क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है, इसी में देख लेते हैं हम 8 का नंबर, न्यूमनेटिक्स क्या होता है। न्यूमनेटिक्स आपका सिक्कों का अध्ययन होता है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमनेटिक्स। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा हमारा, जनसंख्या का अध्ययन कहलाएगा डेमोग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिग्राफी कहलाएगा। शिलालेखों का अध्ययन कहलाएगा हमारा एपिग्राफी। सिल्वीकल्चर क्या होता है, वनों के संवर्धन से होता है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम पालन होता है। वर्मी कल्चर क्या होता है, केचुआ से होता है। सारे कल्चर हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंड्रोलॉजी दे रखा है इसमें, ऑप्शन में दे रखा है, तो क्या होगा, झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा। क्या होगा हमारा, झाड़ियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, किस
ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन ये वाला। अगर बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है, जीवन काल होता है कितना, 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन। बहुत क्वेश्चन आता है, सामान्य मनुष्य में रक्त कितना होता है, सामान्य मनुष्य में रक्त होता है, रक्त होता है जल्दी बताएं आप लोग, और सामान्य महिला में रक्त होता है, महिला में रक्त होता है, तो क्या होगा हमारा इसका आंसर, देखते हैं हम लोग। मनुष्य में क्या होगा, 5 से 6 लीटर होगा, 5 से 6 लीटर, महिला में होगा 4 से 5 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं किस दिशा में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं कहां बहती हैं, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ये भारत का नक्शा हो जाएगा हमारा, तो नर्मदा देख लो, नर्मदा कहाँ गिरी है हमारी, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ये किधर जाएंगी, पश्चिम की ओर बहती हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है हमारा कि नर्मदा ताप्ती नदियाँ किधर बहती हैं, तो पश्चिम दिशा की बहती हैं। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा था, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, 2 सेकंड हो जाएगा। सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, ध्यान रखिए क्वेश्चन। कल्पना चावला सबसे पहले गई थी अंतरिक्ष में, ये भारतीय महिला थी। किस आधात को काला शीशा कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को क्या कहते हैं, काला शीशा कहा जाता है। कोयला देखो, कोयले की बात कर, थोड़ा सा देख लीजिए कोयला, कोयले के बारे में। कोयले की 4 प्रकार होती हैं, ए बी लिपि होता है, क्या इसे क्या होगा हमारा, एंथ्रेसाइट। बी से होगा हमारा बिटुमिनस। एल से क्या होगा हमारा, लिग्नाइट। पी से क्या होगा, पीट कोयला। तो क्या होगा, कार्बन के आधार पर कोयले होते हैं, तो देखते हैं कोयले की कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, इसके अनुसार ले लीजिए आप लोग। तो पहले क्या हो गया, एंथ्रेसाइट, फिर होगा बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। इसमें होती है मात्रा
सारे नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा है। तो बिजली किससे बनती है? बिजली बनती है केवल इससे बनती है। इस कोयला कितना होता है? ये 2% पाया जाता है कोयला जम्मू एंड कश्मीर में। क्षेत्र का नाम क्या होगा? कारगिल होगा। और चट्टान का नाम होगा, चट्टान आपकी होगी टर्शियरी। क्लियर हो गया दोस्तों, कोयला आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 16, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? तो क्या होगा हमारा स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ होगा? तुम्बा, तुम्बा हमारा होगा आंसर इसका। अंतारा किस देश का समाचार एजेंसी होगी? इंडोनेशिया की अंतारा समाचार एजेंसी होगी। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? देखते हैं केंद्रीय एगमार्क के बारे में, पढ़ते थोड़ा सा। क्वेश्चन आता है एगमार्क, तो एगमार्क जो एक्ट होता है ये कब बना? एगमार्क एक्ट बना 1937 में बना था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप लोग। एगमार्क एक्ट बना 1937 में बना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिस्मार्क बिस्मित राइट किस धातु का अयस्क होगा? सोना का हो जाएगा। सोने का क्या होगा? बिस्मित हो जाएगा सोना। अगर बात करते हैं सोना, सोने के बारे में, तो कहाँ मिलेगा भारत में? राजस्थान मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो इसका नाम क्या था? एनी एक था। एनी एक प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। और परम क्या था? भारत का प्रथम था सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर, और लक्ष्य हो जाएगा। अगर अभी बात करेंगे भारत का कौन सा होगा, विश्व का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन विकसित किया है? चीन ने किया था, चीन का है। सनवे टू, क्या नाम उसका है? सनवे टू हाइट, सनवे टू हाइट, ध्यान रखना। ये विश्व का है, ये चीन में बना है, ये बहुत तेज चलता है। क्वेश्चन नंबर है 21, प्रेस तनाव का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन पब्लिक मीटर। प्रेस तनाव न्यूटन पब्लिक मीटर हो जाएगा, तो ध्यान रखिए आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, पूरे शरीर का द्रव्यमान लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो कितना होगा? 7% होगा, 7%। इसे मान अगर बात करते हैं किसी का भार 80 kg है, कितना होगा उसमें? 7% आपका ब्लड उसके अंदर हो जाएगा। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों पर भार भारत की किस नीति पर होता है? संचित नीति पर होता है। क्या होगा? संचित नीति पर होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर बात करेंगे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन नंबर के हैं, तो 13वें नंबर के हो जाएंगे। दलित में क्या नंबर उनका? दूसरा नंबर हो जाएगा। पहले कौन थे? के आर नारायण थे दलित में, ये क्या है? दूसरे हैं। इनका निवास कहाँ है? कानपुर से हो जाएगा। और राष्ट्रपति को शपथ कब दिलाई गई? 25 जुलाई को राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। ध्यान रखिए क्वेश्चन आ गया आपका कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव जो हुए थे, तो राष्ट्रपति को शपथ कब दिलाई गई? 25 जुलाई दिलाई गई। क्वेश्चन अगर आता है कि राष्ट्रपति दलित के कौन से नंबर के हैं, दूसरे नंबर के हो जाएगा। पहले कौन थे? के आर नारायण थे आपके। इस प्रकार सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, तारपीन का तेल किसके वृक्ष के सिंह कहा जाता है? तारपीन का तेल होगा चीड़ के वृक्ष से हो जाएगा। अब बात करते हैं खजूर। भारत में सबसे पहले खजूर कौन लेके आया था? अगर बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम लेकर के आया था खजूर। कृषि दे रखा आपका था क्वेश्चन नंबर, नारियल दे रखा है। क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक भारत में नारियल कहाँ होगा? तो केरल में होगा। नारियल होगा, रबड़ होगा, नारियल रबड़ काजू हो जाएगा। कहाँ सबसे अधिक होगा हमारा? तो उसका होगा आंसर केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रपति प्रशासन
भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1951 में लागू हुआ था, पंजाब में लागू हुआ, पंजाब के पेप्सू शहर में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगर बात करते हैं तो ये 12वीं थी, क्योंकि हमारे ए पी जे अब्दुल कलाम ये थे 11वें, और प्रतिभा देवी पाटिल हो जाएंगी आपकी, प्रतिभा देवी पाटिल 12वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है, नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में होगा? तो नाथुला क्या पड़ेगा, नाथुला दर्रा बात करते हैं, तो नाथुला दर्रा होगा आपका सिक्किम में हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ होगा? सिक्किम हो जाएगा। और इसी में दे रखा है क्वेश्चन, असम का, अगर बोला असम दे रखा है, असम का पुराना नाम क्या होगा? कामरूप हो जाएगा। असम का लोक नृत्य क्या होगा? बिहू हो जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग, असम में अधिकतर घर कैसे बने होते हैं? बांस के घर बने होते हैं। असम में क्या होती है? चाय होती है। सुन लो, असम में क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन कराता है, असम का पुराना नाम क्या होगा? कामरूप हो गया। असम का लोक नृत्य क्या हो गया? बिहू हो गया। असम में जो है सबसे अधिक घर क्या बने होते हैं? बांस के घर बने होते हैं। असम में सबसे अधिक क्या होती है? चाय होती है। और अगर बात करते हैं हम लोग असम का कि सबसे ज़्यादा असम में क्या होगा निर्यात, तो चाय होगी। क्वेश्चन नंबर 28, शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। शहद का मुख्य अवयव क्या होगा? फ्रक्टोज होता है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रत्येक छत्ते में रानी कितनी मधुमक्खी होती हैं? तो प्रत्येक छत्ते में रानी एक होती है, रानी होती है एक। ध्यान रखिए क्वेश्चन आप लोग कि रानी कितनी होती है? एक होती है, उसके साथ में सारी मधुमक्खियाँ चलती हैं। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है हमारा? एपिकल्चर कहलाता है। एपिकल्चर क्या होता है हमारा? मधुमक्खी पालन होता है। क्वेश्चन कह रहा है अगला 29, पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क होगा? यूरेनियम का हो जाएगा। क्या होगा? यूरेनियम का हो जाएगा। सबसे अधिक बात करेंगे भारत में यूरेनियम कहाँ मिलेगा, तो जादूगोड़ा खान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, गलेना किसका अयस्क होगा? गलेना अयस्क होगा सीसा का हो जाएगा। गलेना जो अयस्क किसका होगा? सीसा का हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका दे रखा है, प्रधानमंत्री, तो बताइए जल्दी से आप लोग, प्रधानमंत्री की उम्र के लिए कितनी सीमा होना चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के 35, प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, वार्ड मेंबर चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। क्लियर हो गया आपको? फिर से बोलें तो अगर बात करते हैं वोट देने के लिए 18 वर्ष, शादी करने के लिए लड़का के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, लड़की के लिए 18 वर्ष होना चाहिए, प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, वार्ड मेंबर चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। क्लियर हो गया सारे क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया रेड क्रॉस संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनांट थे। क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है 32, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनांट थे। भारत में प्रथम रेल सर्वप्रथम कहाँ चली? तो क्वेश्चन आपका आता है, डलहौजी शासनकाल में भारत में प्रथम रेल चली थी, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे, इसे बोलते हैं ब्लैक गुट्टी बोलते हैं। ब्लैक गुट्टी जो चली थी 34.5 किलोमीटर चली थी, और भारत की ये थी रेल। अगर बात करते हैं रेल की, बात करते हैं थोड़ा, देखते हैं उसके क्वेश्चन में कि अभी लखनऊ मेट्रो बनाई गई थी, तो लखनऊ मेट्रो का लोगो जो बनाया था पूजा ऐधन बनाया था, लखनऊ मेट्रो का लोगो बनाया था पूजा ऐधन ने। लखनऊ मेट्रो कहाँ से कहाँ चली? तो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग चली। और क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ चली? तो कोच्ची में चली। जल मेट्रो कहाँ चली? कोच्ची में चली। क्वेश्चन ये भी आता है, त्रिनेत्र हाल ही में चर्चा में रहा है, किसके लिए होता है? तो ये कोहरे से निपटने के लिए ट्रेनों में लगाया जा रहा है त्रिनेत्र। क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन कहाँ चली? दिल्ली से सफदरगंज भी चली, दिल्ली से सफदरगंज भी चली। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत की वह ट्रेन कौन है सीएनजी? तो रोहतक से रेवाड़ी चली। और भारत की मेट्रो अगर बात करें, बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? तो दो राजधानी है, मुंबई और अहमदाबाद। अहमदाबाद राजधानी किसकी है? गुजरात की हो जाएगी। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग, तो यहाँ से यहाँ चलेगी, इसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
क्वेश्चन में कहा गया है पृथ्वी सतह से वायुमंडल का सबसे नजदीकी परत क्या होगी, तो पांच परत होती है, देख लीजिए आप लोग कौन कौन से होते हैं। ये स्थलखंड हो जाएगा, ये क्या होगा क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, आयन, फिर बहिर। यहीं पर क्या मिलती है, ओजोन लेयर मिलती है, बीच में ओजोन परत पाई जाती है, ध्यान रखिए आप लोग। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मोनोजाइट किस तत्व का अयस्क होगा, थोरियम का हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक थोरियम कहाँ मिलता है, केरल मिलेगा। क्वेश्चन अगर आता है भारत में सबसे अधिक थोरियम कहाँ मिलेगा, केरल मिलेगा आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क होगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा। डोलोमाइट जो होगा मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य क्या होगा। बात करते हैं भारत का लिंगानुपात क्या होगा, मतलब पुरुषों से अधिक महिलाएं जिस राज्य में हो, तो क्या होगा इसका आंसर होगा केरल होगा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ होगा हमारा, हरियाणा में होगा, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912 है, 1000 महिलाओं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 912। भारत कितना लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 38, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बिहार। छोटे से एरिया में अधिक जनसंख्या निवास करती हो, मतलब इसका आंसर हो गया, तो क्या होगा इसका आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, सबसे अधिक घनत्व कहाँ होगा हमारा, बिहार नंबर एक, नंबर दो पश्चिम बंगाल, नंबर तीन केरल, फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का न्यूनतम जनसंख्या राज्य क्या होगा, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो ध्यान रखिए। भारत का न्यूनतम लिंगानुपात राज्य बता चुके अभी आपको, हरियाणा होगा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ होगा, हरियाणा होगा, 879। सॉरी 779 होगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन देखते हैं अगला, भारत का मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है। बात करते हैं दिल्ली में सबसे पहले मेट्रो कौन लेके आया था, तो ई श्रीधरन लेके आए थे। उनको पूरा मेट्रो मेट्रो का भी चेयरमैन बना दिया गया है, जो सारे जहां मेट्रो बनी है देख रेख में ई श्रीधरन के मामले उनको हजू देख रेख करेंगे, ताकि जो भी पुल उनके बने हैं टिकाऊ बने हैं, कभी कोई दिल्ली में हादसा नहीं हुआ था, मेट्रो आज भी चल रही है, इतना पानी बरसने के बाद दिल्ली की सुरक्षित लोग यात्रा करते हैं, इसीलिए क्या उनको जो है मेट्रो का चेयरमैन नियुक्त किया गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि मेट्रो का जनक किसे कहा जाता है, अगर भारत में बात करेंगे तो क्या होगा, ई श्रीधरन हो जाएगा। सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली, कोलकाता चली 1984 में। क्वेश्चन कहता है सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली, तो 1984 में कोलकाता में चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो पंजाब, बताया था आपको हमने कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में, हुआ था पंजाब के पेप्सू शहर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर, कैलामाइन किस धातु का अयस्क होगा, तो कैलामाइन किसका होगा, जिंक का हो जाएगा। कैलामाइन जो होगा हमारा जिंक का अयस्क हो जाएगा। लाल रक्त लाल किसके कारण होता है, तो इसके कारण होगा हमारा, बताइए आंसर आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का क्या होता है, रक्त लाल होता है। तो आज का हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करते सब्सक्राइब करते रहें, और हमें आप ढेर सारा प्यार देते रहें, जिससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने के लिए कष्ट करेंगे।